चैप्टर इज गुड हैबिट्स। बच्चों आपको पता ही है कि हम चैप्टर नंबर 7 में हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है गुड हैबिट्स। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेस क्लास, लेट्स डू अ रीकैप दैट व्हाट वी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, द थिंग्स वी नीड टू डू टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। सेकेंड है बच्चों, टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। यूज नेल कटर टू ट्रिम लॉन्ग नेल्स। कीप योर हेयर नीट एंड क्लीन। कीप योर रूम tidy and clean. Some special attention of cleanliness at the time of this coronavirus pandemic are wash your hands for 20 seconds every 1 hour. Always eat hot food. Use tissue paper while coughing and sneezing. Wear your mask. If you can't wash your hands with soap and water, then use hand sanitizer. Students, our today's topic is importance of exercise and rest. बच्चों, importance का means होता है महत्व, exercise का means होता है बच्चों व्यायाम, और rest का means होता है आराम। तो आज का हमारा topic है कि व्यायाम और आराम का महत्व। ओके बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम किसे कहते हैं। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बच्चों, वह शारीरिक या मानसिक क्रिया जो आपको हेल्दी यानी कि स्वस्थ और ताकतवर बनाती है, उसे हम व्यायाम कहते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट। बच्चों, नियमित व्यायाम हमें फिट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, योगा एंड डांसिंग आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। बच्चों, वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, योगा और डांसिंग ये सभी एक्सरसाइज के ही रूप हैं। बच्चों, हमें इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। We should exercise daily in fresh air. बच्चों, हमें हमेशा ताज़ी हवा में ही एक्सरसाइज करना चाहिए। और ताज़ी हवा बच्चों हमें कब मिलेगी? मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए हमें मॉर्निंग में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज हमें प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो इंक्रीज आवर इम्यूनिटी पावर, दैट्स वाई वी शुड एक्सरसाइज डेली इन फ्रेश एयर। बच्चों, ये हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, इसलिए हमें डेली यानी कि प्रतिदिन ताज़ी हवा में व्यायाम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, दैट वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेस्ट यानी कि आराम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गेटिंग एनफ रेस्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त विश्राम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कंटिन्यू वर्क करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours every day. बच्चों, हमें प्रतिदिन at least 8 hours यानी कि 8 घंटे सोना चाहिए। Students, we have finished the explanation of this chapter. So it's time to do the exercise. Okay? So now open your book and see page number 50. Okay? Students, you have to do this exercise in your book. आपको बच्चों ये एक्सरसाइज बुक में करनी है, सो डोंट राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी। इसलिए अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसे नहीं करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। इसमें आपको
कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये बताना है कि अगर आप ये सारे वर्क नहीं करेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। अब आपको बताना है बच्चों कि अगर हम दिन में दो बार ब्रश नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। ओके, तो इसका परिणाम ये होगा बैड ब्रेथ एंड कैविटी। अगर बच्चों हम दिन में दो बार ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह से गंदी बदबू आएगी और आपके दांतों में कैविटी लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों बाथ डेली, यानी कि प्रतिदिन नहाना। अगर आप प्रतिदिन नहीं नहाओगे बच्चों तो क्या होगा। बॉडी ऑर्डर, बॉडी का मींस होता है बच्चों शरीर, ऑर्डर का मींस होता है बदबू। अगर हम प्रतिदिन नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर से बदबू आने लगेगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले अगर हम अपने हाथ नहीं धुलेंगे तो क्या होगा। जम्स ऑन हैंड्स एंड अपसेट टमी, यानी इसका परिणाम ये होगा कि हमारे जो हाथ में जो जर्म्स हैं वो हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे और हमारा टमी अपसेट हो जाएगा, यानी कि हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों शैम्पू हेयर। अगर हम अपने बालों को शैम्पू नहीं करेंगे तो क्या होगा। ओके, टैंगल्ड एंड डर्टी हेयर। बच्चों अगर हम अपने बालों को शैम्पू नहीं करेंगे तो हमारे बाल टैंगल यानी कि उलझ जाएंगे और डर्टी यानी कि गंदे हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों स्नीज विदाउट अ हैंकरचीफ। बच्चों अगर आप छींकते समय हैंकी का यूज नहीं करोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। स्प्रेड जम्स, स्प्रेड का मींस होता है बच्चों फैलना और जम्स का मींस होता है जीवाणु, तो इससे बच्चों आपके आसपास के एयर में जीवाणु फैल जाएंगे। ओके, बट बच्चों याद रखिए कि इस कंडीशन में हमें हैंकरचीफ यानी कि रुमाल का यूज नहीं करना है। यूज ओनली टिश्यू पेपर व्हाइल कॉगिंग और स्नीजिंग। बच्चों इस टाइम खांसते और छींकते समय सिर्फ टिश्यू पेपर का यूज करिए, यूज करने के बाद तुरंत उसे डस्टबिन में डालिए और तुरंत अपने हाथों को अच्छे से 20 सेकेंड तक धुलिए। अगर आपके पास तुरंत टिश्यू पेपर नहीं है तो यूज योर एल्बो। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों आपके क्लास वर्क और होमवर्क पर। ओके, योर क्लास वर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों मैंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जो आपको एज इट इज जैसे भी राइट हुआ है इसमें वैसे ही आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है। ओके, योर नेक्स्ट क्लास वर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बुक। बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से राइट करने हैं फ्रॉम पेज नंबर 51 और आपको आंसर्स इस इमेज से देखकर अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। एंड योर होमवर्क इज फिल पेज नंबर 50। स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर बुक, सो डोंट राइट इन योर कॉपी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।